के साथ बहुत ही अच्छे सा नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ, जिसको यूज़ करने से फ्रेंड्स आपके जो ज़्यादा बाल झड़ने का बीमारी है वो फुल स्टॉप हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स आपके बाल झड़ना बंद हो जाएगा और आपके हेयर बहुत जल्दी से ग्रोथ भी होंगे। जो लोग चाहते हैं लंबे बाल, उनके लिए भी फ्रेंड्स ये रेमेडी बहुत अच्छा है। और ये जो रेमेडी है फ्रेंड्स, ये ऐसा एक रेमेडी है जिस रेमेडी को लगाने से फ्रेंड्स आप हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग ज़्यादातर ऑयल या कोई पैक लगाने से हिचकिचाते हैं। ऑयल लगाते हैं तो फ्रेंड्स हम लोगों को शैम्पू करना पड़ता है, या हम लोग हेयर में पैक लगाते हैं तो भी फ्रेंड्स हम लोगों को हेयर को शैम्पू से ही वॉश करना पड़ता है। तो इतना सारा टाइम हर किसी के पास नहीं रहता है, पैक लगाने के लिए एक डेढ़ घंटा लगा के रखना पड़ता है। और ऑयल मसाज लेने जाते हैं तो फिर भी फ्रेंड्स हम लोगों को ऑयल मसाज करने के बाद कुछ देर ऑयल को हेयर में लगा हुआ रखना होता है। तो फ्रेंड्स ये सब प्रॉब्लम आने के वजह से हम लोग इन सभी को अवॉइड करना चाहते हैं कोई ऐसा रेमेडी जिसे जल्दी से हेयर में लगा ले और जिसके बाद ना ही हेयर को शैम्पू करना पड़े और ना ही उसको लगा के बहुत देर तक रखना पड़े। तो इसी के बारे में सोच के मैं आज आपको एक बहुत ही ईजी सा रेमेडी बताने जा रही हूँ। और ये जो रेमेडी है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है हर किसी के लिए, जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं उन लोगों के लिए भी, और जिनके हेयर लॉन्ग नहीं होते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड हैं जिनके हेयर कंधे तक तो है पर कंधे तक ही जैसे रुके हैं, उससे ज़्यादा लंबा नहीं हो रहे हैं, बहुत कोशिश के बाद भी लंबा नहीं हो रहे हैं, उन लोगों के लिए भी फ्रेंड्स आज के रेमेडी बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलिए जान लेते हैं इसके लिए आपको क्या करना है। फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं हेयर के लिए आंवला बहुत अच्छा रहता है, पर फ्रेंड्स आंवला हर वक्त अवेलेबल नहीं रहता है। आंवला जो कच्चा आंवला मिलता है हर जगह पे अवेलेबल नहीं रहता है और हर सीज़न में भी अवेलेबल नहीं रहता है। तो इसी के ऊपर ध्यान रखते हुए फ्रेंड्स मैं इस रेमेडी को इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी, सूखा जो आंवला हर वक्त मिलता है दुकान में, आप कोई भी दुकान में जाएंगे जहाँ पे आयुर्वेदिक शॉप है वहाँ पे आप आंवला पाउडर या आंवला जो सूखा आंवला बिकता है वो ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी आप ले लें और उसके वो आप सूखा आंवला लेते हैं तो फ्रेंड्स एक मुट्ठी आंवला एक कप पानी में रात भर भिगो के रखें। और आप आंवला पाउडर लेते हैं तो फ्रेंड्स दो चम्मच आंवला पाउडर एक कप पानी में रात भर भिगो के रखें और सुबह उठ के पानी को छान के ले लें। और लेने के बाद उस पानी में फ्रेंड्स यानी एक कप जो आंवला वाटर निकला है उस पानी में आपको दो चम्मच कैस्टर ऑयल जोड़ना है, यानी अरंडी का तेल। दोस्तों कैस्टर ऑयल आपके हेयर को रीग्रोथ करने में हेल्प करता है, आपके जड़ पे नए से हेयर उगाने में हेल्प करता है, उसके साथ ही बाल को झड़ने से रोकता है और बाल को जल्दी से लंबा बनाने के लिए भी हेल्प करता है। और उसके साथ हम लोग जोड़े हैं आंवला। आंवला का जो वाटर हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं ये वाटर फ्रेंड्स आपके हेयर को बहुत ही जल्दी से लॉन्ग करने में हेल्प करेगा, आपके अतिरिक्त बाल झड़ते हैं तो उसको रोक देगा और आपके हेयर को काला घना भी बनाएगा, मजबूत बनाएगा। जड़ से ये आपके हेयर को मजबूत बनाएगा जिसके वजह से ना ही आपके हेयर झड़ेंगे और उसके साथ आपके हेयर में मजबूती आएगा, आपके हेयर स्ट्रॉन्ग बनेंगे और आपके हेयर जल्दी से लंबे हो जाएंगे। इसको बना के फ्रेंड्स आप स्टोर कर सकते हैं। इस वाटर के साथ आप जब कैस्टर ऑयल जोड़ते हैं उसके बाद इसको एक कोई टाइट बोतल में भर ले और भर के 7 दिन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको स्प्रे बोतल में या ऐसे ही कोई बोतल में भर के इससे थोड़ा बहुत लेके हर रोज़ आप अपने सिर में यानी बालों के जड़ में लगा ले, रात भर इसको लगा हुआ रखे और सुबह उठ के जैसे आप नहाते हैं ऐसे नहा ले। ऐसे करने से फ्रेंड्स आप 7 दिन में ही आप
फ़र्क महसूस कर पाएंगे। जिनके हेयर बहुत झड़ते हैं फ्रेंड्स, उनको तो पता ही चल जाएगा बहुत ही जल्दी से, क्योंकि बहुत जल्दी से आपके हेयर फॉल को रोक देगा। और जिनका थोड़ा बहुत झड़ता है, यानी दिन में 10 या 20 हेयर फॉल होता है, उनका तो फ्रेंड्स ऐसे ही बाल झड़ना कम होता है। और उसके ऊपर से ये लगाएंगे तो फ्रेंड्स ये आपके फुल हेयर फॉल को स्टॉप कर देगा। और उसके साथ बोनस है फ्रेंड्स, आपके हेयर को रीग्रोथ करेगा, आपके हेयर के जड़ में नए से बाल आएगा, इससे आपके हेयर और भी घना बनेंगे और बहुत जल्दी से लंबा भी होगा। तो इसको जरूर ट्राई करना फ्रेंड्स। तो आज का रेमेडी पसंद आया है तो फ्रेंड्स इसको जरूर ट्राई करना, वीडियो को लाइक करना, और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ईजी वाला अच्छा अच्छा ब्यूटी टिप्स देखने के लिए, जानने के लिए। सब्सक्राइब बटन और बेल बटन नीचे आ रहा है, इन दोनों को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मैं फिर मिलूंगी कोई अच्छा सा ब्यूटी टिप्स या हेल्थ टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।